खुद भी करवा देता है कई बार, क्योंकि इंसान को अभिमान होने लगता है कि मैं ये कर रहा हूं। और वो जब मैं आता है तो उस मैं को हटाने के लिए भगवान कुछ त्रुटियां करवा देते हैं, और फिर उस त्रुटि के माध्यम से या नानाविध वो किस प्रकार से समझाना चाहे वो तो वो जानता है, पर अभिमान को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ त्रुटि हमसे होती है, और फिर हम समझते हैं कि रे मैं तो कुछ नहीं हूं, बिल्कुल तुच्छ हूं मैं तो। क्या हनुमान जी भी कहते हैं संत कि जब हनुमान जी पहाड़ को लेकर हाथ के ऊपर रामादल की तरफ चले तो मन में अभिमान आया कि मैं पवन पुत्र हनुमान इस पहाड़ को रामादल तक पहुंचा दूंगा। और जब ये इतना सा मैं हनुमान जी के मन में आया, तुरंत भरत का बाण आके लग गया। समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। कहते हैं कि हनुमान जी को तो उनकी इच्छा के बिना कोई अस्त्र छू ही नहीं सकता। जब मेघनाद ने ब्रह्म बाण मारा तो हनुमान जी कहते हैं कि ब्रह्मा की मर्यादा के लिए मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। वो चाहते हैं तो उनको कोई बाण लगता है, वो नहीं चाहते तो नहीं लगता है। तो क्या भरत जी को बाण को वो चाहते थे कि वो मर्यादा चुभ जाए? नहीं चाहते थे। पर वो क्यों लगा? क्योंकि वहां अभिमान आया। जब कोई छोटा सा अभिमान मन में आता है तब वो भगत पर दया करते हैं भगवान, तो उस अभिमान को तुरंत दूर कर देते हैं। क्योंकि जहां अभिमान होता है वहां राम नहीं होते, और जहां राम होता है वहां अभिमान नहीं होते। और ये गलती मैं कर बैठा, ठाकुर जी को वहीं छोड़ आया और खुद कथा करने चला आया। क्योंकि सुबह भी कलश यात्रा में इनको मैंने मोचलो ठाकुर जी अभी आप रखो यहाँ, पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी वहां पे। तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था करने वाला तो मैं हूं, तू कौन है, तू मुझे कहे कैसी व्यवस्था है ये। सुबह गलती की उसका अब कि तू चलो मेरे को मेरे जाके देख कैसा क्या हालत है तेरा। तो इनके बिना तो कोई, इनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी जीभा का हिलना, आप लोगों का यहाँ आना सुनना, ये सब तो बहुत दूर की बात है। एक थोड़ा सा तिनका भी हिलता है तो इनकी इच्छा से हिलता है। मेरी जीभ तो बहुत बड़ी है, आप लोग के कान सुन रहे हैं, वो तो बहुत एक बहुत दिव्य बात है। वो तो इनकी इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। तो भगवान, मैं तो समझता हूँ कि दया है ठाकुर जी की, क्योंकि जब दया करते हैं तभी ये अभिमान को दूर करते हैं। बोलो राधे राधे। देखो ये ऐसे बांध के मत बैठो, क्योंकि ये होता है दृद्रासन, दोनों हाथों के बीच में दोनों घुटनों को लेके बैठना। हाँ पांव दर्द कर रहे हैं, उम्र हो गई है अवस्था के हिसाब से, तो एक पांव सीधा कर लो, पर दोनों हाथों के बीच में दोनों पांव को बांधना, अगर ऐसा एक महीने तक लगातार देवताओं का राजा इंद्र भी कर लेना तो वो भी दरिद्र हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। ये तो बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? इसके विषय में कथा के अंदर प्रवेश करते हुए जब कथा आएगी तब आपको बताएंगे। पहले आज वैसे भी देखो, मैं आप लोगों से कह दूं कि मेरा इंतजार मत किया करो कि वो आकर बैठेंगे फिर कथा पंडाल में जाएंगे। 2 बजे का टाइम है तो आ जाओ, क्योंकि पता नहीं यहाँ की स्थिति है, पता नहीं कहते हैं कि कुछ आ जाए तो आप जाके बैठे तो अच्छे लगे। मैं सोचता हूँ मुझे उनसे जो सुनने 2 आएंगे तो भी अच्छा है, भीड़ से हमें सुनने वाला श्रोता उत्तम होना चाहिए। वो एक भी हो तो कथा सुनाने का आनंद है, भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं वो आ जाएं फिर चलें, और ये सोचते हैं कि वो आ जाएं फिर चलें। तो ऐसा कोई वो सिस्टम ना हो। 2 बजे आपको पहुंचना है, व्यास जी आए चाहे ना आए, आपको कथा पंडाल में आना है, यहाँ के बैठना है। उस बैठने मात्र से कथा सुन का फल कब मिलता है कि जब हम घर से चलते हैं मन में ये भाव कर कर के हम कथा सुनने जा रहे हैं, उसी वक्त हमारे हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। शब्दों पे ध्यान दो, आके विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं वो उस भगत के हृदय में। तो हम चलो कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत जी का महात्म्य है। महात्म्य किसे कहते हैं कि ये भागवत है क्या?
ये कोई पुराण है या कोई ग्रंथ है या कोई पोथी है, कोई किताब है, कोई वेद का अंश है, या ये कोई कथा है, या ये कोई कहानी है, भागवत है क्या? और ये किसने बनाई, क्यों बनाई, सबसे पहले इसको किसने सुना, क्यों सुना, ये सात दिन ही क्यों की जाती है, इन सभी चीजों को जानना माध्यमिक कहलाता है। जैसे कि हमारे बीच में कोई दिव्य पुरुष आकर विराजमान हो जाए, पर जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, उनके प्रति हमारे मन का भाव नहीं होगा कि ये कौन है, ये क्या कर सकते हैं, इनकी क्या वैल्यू है, ये कितने प्रभावशाली हैं, जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम उनसे उनके प्रति हमारा भाव नहीं जगेगा। तो भागवत जी का महात्म्य जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि ये क्या है, तो उनके प्रति भाव कैसे होगा, हमारे मध्य में कितनी भी दिव्य विभूति आके विराजमान हो जाए, पर जब तक हमारा उनसे परिचय नहीं होगा कि ये कौन है, हम उनको प्रणाम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भागवत जी को जानना जरूरी है, और इसी जानने के विषय को महात्म्य कहते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत जी के माध्यम में सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। किसको नमन करें? जो सत है, सच है, सत चित और आनंद जो स्वरूप है, तीनों चीजों में जो विभक्त है, उसको हम प्रणाम करें। बोले सत क्या है प्रभु, चित क्या है? सत माने तो हम उदाहरण से समझते हैं कि एक बिजली होती है, बिजली वो हमें दिखाई नहीं देती कि वो क्या है, पर होती है, आकाश में भी होती है। अब गांव में तो अब साधन हुआ, पहले बिजली चमकती नहीं थी क्या? बिजली तो पहले भी थी, पर हमें उसका ज्ञान नहीं था कि वो क्या है। तो सत का ज्ञान करना ही तो भागवत को सुनना है। बिजली की तरह सत है, सत का ज्ञान कब होगा? जब हमारे पास चित्त होगा। चित्त अर्थात साधन, वस्तु। चित्त शरीर को भी कहते हैं, कहते नहीं मेरे तो चित्त डगमगा रहे हैं, तो शरीर को भी चित्त कहते हैं, क्योंकि इस मानव शरीर से ही हम उस सत्य को जान सकते हैं। और वैसे संसारिक वस्तुओं के उदाहरण से समझे तो बिजली आ रही है, आगे एक साधन मिले बल्ब, तो वो उजाला करेगी, तब वो चित बनेगा, एक हमें वस्तु दिखाई देने वाले बनेगी। अगर वो बिजली जाकर पंखे के अंदर है तो वो हवा देगा, वो एक साधन हमें, वो चित हमें दिखाई देगा। तो जो सत भी है और चित भी है, और इनके बाद क्या होता है? आनंद। आनंद कैसे होगा कि बिजली तार के माध्यम से बल्ब तक पहुंची, तो चित यानी उजाला हुआ, उजाला हुआ तो आंखों को दिखाई देगा, तो आनंद उत्पन्न होगा क्योंकि हमें कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वो बिजली तार के माध्यम से पंखे तक पहुंची, पंखा चला, हवा मिली, गर्मी का महीना हो तो आनंद मिलेगा, सर्दी का महीना हो वो बिजली हीटर तक पहुंची, हीटर से ताप उत्पन्न हुआ, हमको आनंद मिला। तो इस तरह वो चित भी है, आनंद भी है और सत भी है। पर आनंद की परिभाषाएं तो काफी हैं। देखो एक आनंद शब्द में अपने आप में एक वो विशेष विभूति है कि संसार में कोई भी शब्द ले लो आप, उसका उल्टा होता है। काले का उल्टा सफेद, दिन का उल्टा रात, कोई भी शब्द ले लो जो भी है, सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे ज्ञान का उल्टा अज्ञान, ज्ञानी का उल्टा मूर्ख, हर शब्द का कुछ ना कुछ उल्टा होता है। पर आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कभी उल्टा नहीं होता। किसी ने कहा कि मैं बताऊं क्या, वहां जी बताओ कि निरानंद। मैंने कहा भैया आनंद तो जैसे का तैसा रह गया, निरा तो अपनी तरफ से लगा दिया आपने,
इसका जैसे काले का उल्टा सफेद हुआ तो काला तो उसमें रहा नहीं, सफेद हो गया वो, तो कह शब्द ही नहीं आया उसमें, तो दिन का उल्टा रात हो गया। तो ये आनंद तो यो का यो रह गया, मूर्ख का उल्टा ज्ञानी हो गया। शब्दों का भेद इसमें तो नीरा आपने अपनी तरफ लगा दिया, और हमारी ये सिरसा की भाषा में तो नीरा कहते नीरो ही कर दियो। तो बहुत ज्यादा जो हो, मैंने कहा आनंद को आपने उल्टा नहीं किया, इसकी मात्रा को आपने बढ़ा दिया। अब चाहे निरानंद हो, चाहे परमानंद हो, चाहे घनानंद हो, इनकी वो जो परिभाषा है वो बड़ी है, घटा नहीं है ये। अब परमानंद कर दोगे तो ये बढ़ेगा आनंद, आनंद की परम प्राप्ति हो गई। तो आनंद एक ऐसी वस्तु है, जब वो पास में आएगी तो वो कभी घटेगी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना सुख आया है तो दुख भी आएगा, पर आनंद आएगा तो क्या आएगा, फिर तो वो बढ़ता ही जाएगा। ये भगवान के लिए, भगवान या तो आते नहीं या फिर वो आते हैं तो जाते नहीं वापस। मीरा के घर में आके बसे, उनके हृदय में बस गए तो फिर जोगन बन गई वो, उनके हृदय से निकल गए वो, तो या तो आते नहीं, आते हैं तो फिर वो, और आनंद स्वरूप ही है। क्योंकि आनंद भगवान के स्वरूप कैसे है कि आपने कथाओं में सुना होगा कि जब भी कोई कथा करते हैं, चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जयक नहीं। ये तो कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो या नंद के गोपाल भयो, ऐसा तो कोई नहीं कहता। ये तो उनकी उपमाएं हैं, वो है क्या हकीकत में आनंद स्वरूप कौन है, भगवान है साक्षात आनंद। देखो संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं होता, संसार की वस्तुओं में मजा हो सकता है, आनंद नहीं होता। आनंद तो उस भगवान के साक्षात स्वरूप में ही है, क्योंकि जब सत्य का बोध होगा तो चित्त में आनंद की उत्पत्ति होगी, तभी तो तीनों चीजें मिलेंगी। ये हमें मानुष देह किसके लिए मिली है कि हम आनंद को प्राप्त करें, और आनंद किन से मिलना है, ये गद्दों पे सोना, एसी के रूम में रहना, ये उत्तम उत्तम प्रकार की मिठाइयां खाना, ये आनंद नहीं है। अगर होता तो फिर शुगर वाले को क्यों नहीं मिलता, अगर वो मिठाई आप खाओगे तो आपको आनंद मिल रहा है मान लो, तो वो मिठाई अगर शुगर वाले मरीज को खाए तो उसको आनंद क्यों नहीं। अगर आनंद होता तो सबको मिलता, वो एक कुछ पलों का मजा है, आनंद नहीं है। आनंद तो उस ईश्वर से ही मिल सकता है, पर आनंद की व्याख्या में आज हमारे पास थोड़ा समय का अभाव भी है, हम कथा को आगे लेके बढ़ते हैं, आनंद पे बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं। तो सत्चित और आनंद ऐसा जिसका स्वरूप है, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या है वो, इसके सिवा और कुछ भी है कि विश्व की उत्पत्ति का, सृजन का और हेतु का जो कारण है वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करता है वो, जब उसका बोध होता है तो क्या करता है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को वो नष्ट कर देता है। आदि देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम जी के राज्य में ये तीनों ताप किसी को नहीं व्यापे। तो जब राम जी राज्य कर रहे हैं तब उनके राज्य में किसी को नहीं व्यापे, अगर वो राम जी हमारे हृदय में लाकर राज करने लग जाए तो फिर क्या हमें व्यापे। तो तीनों तापों को जो नष्ट करने वाला स्वरूप है वो कौन है, श्री कृष्णा ये वयम नुम है। उस कृष्ण को हम क्या कहा कि मैं नमन नहीं करता हूँ, वयम माने हम, नुम माने सब नमन करते हैं उसको, मैं अकेला नमन नहीं, हम सब उसको नमन करते हैं। फिर द्वितीय श्लोक में भगवान सुखदेव जी को नमस्कार किया है, और फिर हम सभी उस पावन भूमि में चलते हैं जहां ये दिव्य अनुष्ठान हो रहा। नैमिषारण्य एक दिव्य स्थल है, देखो नैमिषारण्य कहते किसे हैं, नैमी नाम है भगवान के चक्र का, सुदर्शन चक्र का एक नाम नैमी भी है। जब कली का प्रभाव ज्यादा प्रभावित हो गया तो संतों ने कहा कि भगवान हम कहां भजन करें आपका, ये कली हमें भजन करने ही नहीं देता, हम आपका आनंद स्वरूप जो चित है उसका दर्शन कैसे करें, आपको पाए कैसे, आपकी दिव्य विभूतियों का दर्शन कैसे हो। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया, और उस चक्र के सानिध्य में जो नेमि के शरण में जो क्षेत्र है उसको नैमिषारण्य कहते हैं। बोलो राधे राधे, आवाज नहीं आती श्री राधे, आप भी सो गए
श्री राधे। एक बार जोर से बोलो श्री राधे। आप रुको, इनकी आवाज सुनना चाहता हूँ, बोलो राधे राधे, राधे राधे। मिस्टेक मत करो, इनको बोलने दो, श्री राधे राधे। है कुछ बैठे हैं पर आवाज कम है, वो गलती आपकी है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों का गला खराब है, पर आपकी संख्या भी ऐसी है, मैं क्या कुछ बोल भी नहीं सकता आज तो मैं। पर चलो हम कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं और उनके अंदर एक मुख्य श्रोता बन के बैठे हैं श्री सोनक जी, और उन्हीं सभ्य के मध्य में सूत जी महाराज प्रस्थान करते आते हैं। सूत जी के आते ही सब संत जो 88,000 हैं, उम्र में सब बड़े हैं, खड़े हो जाते हैं अपने मध्य में। कब जो दिव्य विभूति आए तो उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। सूत जी आते हैं, सब 88,000 ऋषि खड़े हो जाते हैं, वो उनके पांव छू रहे हैं, वो उनके पांव छू रहे हैं। सूत जी कहते, महाराज जी देखो मैं तो बालक हूं अभी, मेरे चरण में। वो कहते, नहीं नहीं, आप दिव्य हो, ज्ञान के भंडार हो, आप पूजनीय हो। ऐसा होता है कि देखो, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, पर इन सबसे बड़ा कौन? जो ज्ञान में वृद्धा बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा होता है। ये सब छोटे बल आयु में बड़ा हो गया तो क्या हो? माना कि वो आदर के योग्य है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, पर वो आयु में बड़े हैं। कोई बल में बड़ा हो सकता, बलशाली हो सकता है, कोई धन में बड़ा हो सकता है, पर सबसे पूजनीय कौन है, सबसे बड़ा है कौन? जो ज्ञान में बड़ा है। तो सूत जी को सभी नमन करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं कि भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं। उन सभी ऋषियों की तरफ से एक मुख्य श्रोता बनकर सोनक जी बैठते हैं, वो कहते हैं कि भगवान आप हमें दिव्य कथा का अज्ञान तिम्रलांधस्य, कि हमारे अंदर जो अज्ञान है, वो अज्ञान रूपी जो तिमर है, उसको नष्ट करने के लिए सूर्य कोटि समप्रभ है, कि आप एक सूर्य के समान नहीं, कोटि यानी करोड़ों सूर्यों के समान हो, जो हमारे हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा है। देखो, संसार के अंधकार को तो सूर्य नारायण नष्ट कर देते हैं। संसार के अंदर जो ये अंधकार रात्रि होती है, अंधकार छा जाता है, सुबह सूर्य उदय होते हैं तो ये अंधकार दूर हो जाता है, पर अपने हृदय के अंदर जो अंधकार है, उसको कौन दूर करेगा? उसको तो कोई दिव्य गुरु मिलेगा, कोई संत मिलेगा, वो ही। तो सोनक जी कहते हैं कि महाराज, आप इस अज्ञान को दूर करने के लिए एक सूर्य के समान नहीं, सूर्य कोटि समप्रभ है, करोड़ों सूर्यों के समान हो। तो महाराज फिर क्या करो आप? हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए हमें दिव्य कौन सी कथा? कि मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के अंदर जो दवा का काम करे वो कथा हमें सुनाओ। और इस कथा के सुनने से हमारे, देखो कलयुग में क्या होगा कि लोग भाग्यमंद भी होंगे और बुद्धि से भी मंद होंगे। देखो, किसी का भाग्यमंद हो और अगर बुद्धि प्रखर हो तो वो अपनी बुद्धि से अपना काम चला लेगा। किसी का भाग्य मंदा हो, कमजोर हो, पर अगर बुद्धि तेज हो तो अपनी बुद्धि के माध्यम से अपना काम चला लेगा। वो अपनी बुद्धि के माध्यम से कुछ ना कुछ करके अपना उत्तर पोषण कर लेगा। और अगर कोई बुद्धि से मंद हो और भाग्य तेज हो, तो आपने देखे होंगे कि भाग्य के बल पर लोग पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। और इन दोनों में से एक भी कोई चीज हो तो प्रभु चलता है, पर कलयुग में कुलचित प्राणी, भाग्य भी जिनका मंद होगा और बुद्धि भी जिनकी मंद होगी, उन कुलचित प्राणियों के कल्याण के लिए क्या, कौन सा साधन है, क्या उपाय किया जाए? वो साधन हमें बताओ जिनसे कलयुग के कुलचित प्राणियों का कल्याण हो जाए। तब सूत जी कहते हैं कि हम आपको दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराएंगे। वो दिव्य महापुराण
इसकी महिमा देखो कितनी बड़ी है कि जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस दिव्य कथा का रसापान करवाना आरंभ किया तो देवता लोग आ गए अमृत लेके कि भगवान लो हमने सुना है कि देखो जो स्वार्थी लोग होते हैं ना वो सबसे पहले अपना फायदा गिनाते हैं कि आपको ये फायदा होगा ये काम करोगे तो ये फायदा होगा। कोई भी संसारिक कार्य हो कोई भी कार्य करते हैं कोई हमसे कोई काम निकलवाना हो तो कहता है कि ये कार्य आप करो आपको ये फायदा होगा। तो देवता लोग भी सुखदेव जी को और परीक्षित को कहते हैं कि भगवान हमने सुना है कि इनको ऋषि का शराप लगा है इनकी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी और ये मृत्यु के भय से भगवत कथा सुनने के लिए आए हैं तो भगवान आप इनको ये अमृत कलश हम लेके आए हैं इनको अमृत पान करवा दो ताकि ये अमर हो जाए। तो सुखदेव जी ने कहा भाई क्यों ये अमृत हम इनको क्यों पिला दें कि भगवान इसके बदले में आप हमें जो भगवता अमृत है हमें पान करवा दो। बोले क्यों देखो इस भगवता अमृत की महिमा देखो आप कि स्वर्ग का अमृत है ना वो देवता लोग ले आए कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो और इसके बदले में हमें ये। सुखदेव जी ने कहा भैया सौदा होता है समान वाली वस्तु में। आपकी कोई वस्तु है मान लो आपकी वस्तु कोई 10,000 रुपए की है सामने वाले की वस्तु भी 10 के लगभग हो 9 की हो 11 की हो तो सौदा हो सकता है। समान की वस्तुएं सौदा होता है। अब आपकी वस्तु 10,000 की है सामने वाले की वस्तु 20,000 की है और आपको भी अदला बदला कर लो करेगा। सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार दिया बोले भाग जाओ मैं आपको कथा सुनाता अगर आप साधारण श्रोता बन के आते और इस पंडाल में आके बैठ जाते तो सभी सुन रहे आप भी सुनते पर देवताओं को क्यों फटकार दिया क्योंकि वो सौदागर बन के आए थे। जो कुछ सौदागर ये देखो कोई आदान प्रदान की वस्तु नहीं है भगवता में। तो बोले भाई उस अमृत में इस अमृत में अंतर क्या है तो कहते नहीं विशेषताएं बताने से अंतर पता चलता है। भगवतामृत क्या करता है कि हमें इस संसार से उठाकर ऊंचाई की तरफ ले जाता है। ये जब हम भगवत कथा सुनते हैं तो हमारा उद्धार होता है हम ऊंचे उठते हैं। और स्वर्ग का अमृत क्या करता है कहते हैं कि स्वर्ग में कब जो कोई जाता है इंसान तो उसके गले में एक फूलों की माला डाल दी जाती जाती और वो माला गले में डालने के बाद जैसे जैसे वो उनके पुण्य क्षीण होते हैं वो स्वर्ग का उपभोग करता है वैसे वैसे वो माला सूखती जाती है और जिस दिन वो माला पूरी तरह से सूख जाती है फिर वो धड़ाम से धरती पर आ गिरता है और फिर ये जन्म मरण के चक्र में वो घूमता रहता है। स्वर्ग में गए व्यक्ति की ये मुक्ति एक अलग साधन है और स्वर्ग एक अलग साधन है। जो स्वर्ग में है उसके पुण्य क्षीण होते रहते हैं वो स्वर्ग का उपभोग करता है। तो ये स्वर्ग का अमृत क्या करता है ये हमारे पुण्य को क्षीण करता है और भगवतामृत क्या करता है हमारे पुण्य को बढ़ाता है। तो बढ़िया कौन सा हुआ भगवतामृत। भगवान की महिमा जो हम सुनते हैं जो उनका गान करते हैं जो भक्ति हम करते हैं वो श्रेष्ठ है। जाके देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी दादाजी हमें तो क्या कि वो सुखदेव जी ने हमें फिटकार के निकाल दिया। ऐसा क्या होता है कभी हम देखो दिव्य अमृत लेके गए थे। ब्रह्मा ने कहा रुको 7 दिन रुको देखते हैं परीक्षित का क्या रिजल्ट होता है फिर बाद में बात करेंगे। 7 दिन कथा सुनी 7वें दिन परीक्षित जी तो मोक्ष को प्राप्त कर गए। धाता भी विस्मित जो ब्रह्मा है वो भी विस्मय हो गए कि क्या हुआ ये। वहां एक त्राजू बांध दिया और त्राजू के एक पलड़े में भागवत जी को रख दिया और दूसरे पलड़े में सभी पुराण वेद शास्त्र
पर देखो जो ज्यादा वजनदार होता है वो नीचा रहता है। तराजू देखा होगा पलड़े में रखते हैं, जिस पलड़े में ज्यादा वजन होगा वो नीचे रहता है। तो भागवत जी का पलड़ा तो नीचे रहा, उठाए नहीं, सब पुराण डाल दिए। जाके भगवान से पूछा तो बोले मैं तो साक्षात स्वरूप से बैठा हूं इसके अंदर, अरे मेरे से तुम तुलना कर रहे हो सबकी। तो भागवत महापुराण के अंदर तो बोलो स्वयं बालकृष्ण लाल विराजमान है, इसलिए बोलो बालकृष्ण लाल की। देखो ये जय बोलते रहना जरूरी है बीच में, क्यों कि निंद्रा देवी है ना जो कुंभकर्ण की जो पत्नी है धर्म पत्नी, वो आ जाती है कथा में, इसलिए 7 दिन इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये क्यों आती है, इनको भी वरदान मिला है। कैसे मिला है वरदान, कि एक दिन राम जी अपने दरबार में बैठे थे और सभी हनुमान जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, गोड़े सीधे रखो ये मोड़ के मत बैठो, शत्रुघ्न जी हैं, जो भी सब भगवान हरिनाम संकीर्तन में लगे हैं, राम जी का गुणगान कर रहे हैं सभी। राम जी दरबार में बैठे हैं, राम जी ने अचानक एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी, एक नारी कोई विलाप कर रही है, बड़े जोर से रुदन कर रही है। राम जी ने आवाज लगाई हनुमान जी को, नहीं आए, क्योंकि हनुमान जी तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि वो तो उनके नाम की धुन में लगे हुए हैं। अब राम नाम को जप रहे हैं तो राम जी को कौन पूछेगा। भरत जी को लगाई, लक्ष्मण लाल को लगाई, कोई नहीं आया। तो क्योंकि देखो संकीर्तन में ध्यान नहीं डालना चाहिए, ये बात हमें राम जी सिखा रहे हैं, राम जी उनके मध्य में नहीं गए। अरे मेरे राजा थे, कह सकते थे मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई देते, पर राम जी स्वयं उठ के चले गए बाहर, जाके उस नारी से मिले कि भाई देवी आप कौन, कौन से दुख से दुखी हो, विलाप क्यों कर रही हो। तो उस देवी ने कहा कि मेरे दुख का कारण आप हो। बोले मेरे राज्य में तो कोई दुखी है ही नहीं, आदि देविक भौतिक तापा राम राज्य का हूं नहीं बेटा, कोई सा भी दुख मेरे राज्य में किसी को है ही नहीं, तो क्यों दुखी है भाई। बोले महाराज मैं आपके कारण दुखी हूं। बोले क्यों, क्योंकि पहले मेरा पति था कुंभकर्ण, जो मुझे 6 महीने अपने पास रखता था, 1 दिन उठता था फिर 6 महीने में उसके पास रहती थी, और अब आपके राज्य में मेरे पति को आपने मारा है, और उसके सिवा बलराम राज्य में कोई निंद्रा लेता ही नहीं है, 24 घंटे आपके नाम में लगे रहते हैं सभी, तो मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, मेरे दुख का कारण आप और आपका नाम है। तो राम जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, आप बताओ आपका, कि मैं आपसे बदला लेना चाहती हूं। तो मुझे बोले ले लो भाई, हम तो बैठे हैं, क्या बदला चाहिए आपको। बोले आपके नाम के कारण लोग मुझे नहीं लेते हैं, तो मेरे को ये वरदान दो आप कि जहां आपका नाम उच्चारण हो वहीं जाकर मैं उसके सिर पर बैठ जाऊं। राम जी ने कहा बात तो आपकी ठीक है, तथास्तु कह दिया भगवान ने, पर कहा भी एक शर्त होगी। बोले क्या, कि जहां मेरा नाम होगा वहां तुम जाके विराजमान तो हो सकती हो, पर बीच में अगर किसी ने श्री राधे बोल दिया जोर से तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां मेरा नाम हो रहा किसी इंसान की जहां इज्जत हो रही, अच्छी प्राण प्रतिष्ठा जहां इनका सम्मान हो रहा हो, जिनकी महिमा का गुणगान हो रहा हो, वहां कोई दूसरी स्त्री आकर बैठे और वो उनके नाम के गुणगान में आनंद ले, और उसी स्थान पर उनकी धर्मपत्नी आ जाए, तो क्या वो आनंद ले पाएंगी। तो माधव कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम जहां देखो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, कोई अंतर नहीं है, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, एक ही स्वरूप है। संतों ने कहा थोड़ा सा तो अंतर है। बोले क्या, नाम का अंतर तो है पर साथ में आंखों का भी अंतर है। राम जी बिल्कुल स्थिर, कोई चंचलता नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो कन्हैया है उनकी आंखों में तो
तिरछापन रहता है, सीधे तो कभी देखते ही नहीं है, उनकी आंखें तो चंचलता है, तो उनके नयन गंभीर है, राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है, उनके नयन गंभीर है तो उनके चपल विशेष, उनकी आंखों में चंचलता है। तो कहते हैं कि जहां राम जी का या कृष्ण जी का नामों का गुणगान हो वहां निंद्रा देवी आती है, पर जैसे ही उनकी प्राण वल्लभा का नाम, राधे जी का नाम लिया जाता तो वो लपचक्कर हो जाती है, वहां से भाग जाती है। तो राम जी कहते हैं कि कोई बात नहीं आओ, पर जब हमारी प्राण वल्लभा का नाम लिया जाए तब पलायन कर जाना वहां से। तो इसलिए बीच में राधे राधे बोलते रहते हैं, बोल दो आप भी, अब कह के बुलाने में मजा नहीं, जब से मेरे मुख से निकले राधे राधे तो आपके मुख से अपने आप स्वतः निकल जाना चाहिए, बोलो राधे 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 राधे। इसमें क्या कि निंद्रा देवी फिर नहीं आती है, ध्यान नहीं डालती है। तो हम देवताओं को विषय में हुआ, भगवान साक्षात नारायण स्वरूप में इसमें विराजमान है। इस दिव्य ग्रंथ की महिमा बताते हुए सूत जी कहते हैं कि ये इतना दिव्य है, उस ग्रंथ की महिमा आपको हम सुनाएंगे। तो बोले महाराज सबसे पहले ये विधि 7 दिनों वाली कब से शुरू हुई, किसने किसको सुनाया? तो कहते हैं कि सनक सनंदन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। बोले नारद जी को सुनाया, ये बात तो कुछ जची नहीं महाराज। नारद जी ऐसे संत हैं जो 2 घड़े से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, उनको सनकादि ऋषियों कौन से दुख से दुखी हो, विलाप क्यों कर रही हो? तो उस देवी ने कहा कि मेरे दुख का कारण आप हो। बोले मेरे राज्य में तो कोई दुखी है ही नहीं, आदि देविक भौतिक तापा राम राज्य का हूं नहीं बेटा, कोई सा भी दुख मेरे राज्य में किसी को है ही नहीं, तो तू क्यों दुखी है भाई? बोले महाराज मैं आपके कारण दुखी हूं। बोले क्यों? क्योंकि पहले मेरा पति था कुंभकर्ण, जो मुझे 6 महीने अपने पास रखता था, 1 दिन उठता था फिर 6 महीने में उसके पास रहती थी, और अब आपके राज्य में मेरे पति को आपने मारा है, और उसके सिवा बलराम राज्य में कोई निंद्रा लेता ही नहीं है, 24 घंटे आपके नाम में लगे रहते हैं सभी, तो मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, मेरे दुख का कारण आप और आपका नाम है। तो राम जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, आप बताओ आपका कि मैं आपसे बदला लेना चाहती हूं। प्रभु जी बोले ले लो भाई, हम तो बैठे हैं, क्या बदला चाहिए आपको? बोले आपके नाम के कारण लोग मुझे नहीं लेते हैं, तो मेरे को ये वरदान दो आप कि जहां आपका नाम उच्चारण हो वहीं जाकर मैं उसके सिर पे बैठ जाऊं। राम जी ने कहा बात तो आपकी ठीक है, तथास्तु कह दिया भगवान ने, पर कहा भी एक शर्त होगी। बोले क्या? कि जहां मेरा नाम होगा वहां तुम जाके विराजमान तो हो सकती हो, पर बीच में अगर किसी ने श्री राधे बोल दिया जोर से तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां मेरा नाम हो रहा किसी इंसान की जहां इज्जत हो रही, अच्छी प्राण प्रतिष्ठा जहां इनका सम्मान हो रहा हो, जिनकी महिमा का गुणगान हो रहा हो, वहां कोई दूसरी स्त्री आकर बैठे और वो उनके नाम के गुणगान में आनंद ले, और उसी स्थान पर उनकी धर्मपत्नी आ जाए, तो क्या वो आनंद ले पाएंगी? तो माधव कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम जहां देखो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, कोई अंतर नहीं है, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, एक ही स्वरूप है। संतों ने कहा थोड़ा सा तो अंतर है। बोले क्या? नाम का अंतर तो है पर साथ में आंखों का भी अंतर है, राम जी बिल्कुल स्थिर, कोई चंचलता नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो कन्हैया है उनकी आंखों में तो तिरछापन रहता है, सीधे तो कभी देखते ही नहीं है, उनकी आंखें तो चंचलता है, तो उनके नयन गंभीर है, राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है,
उनके नयन गभीर है तो उनके चपल विशेष, उनकी आंखों में चंचलता है। तो कहते हैं कि जहां राम जी का या कृष्ण जी का नामों का गुणगान हो वहां निंद्रा देवी आती है, पर जैसे ही उनकी प्राण वल्लभा का नाम, राजे जी का नाम लिया जाता तो वो लपचक्कर हो जाती है, वहां से भाग जाती है। तो राम जी कहते हैं कि कोई बात नहीं आओ, पर जब हमारी प्राण वल्लभा का नाम लिया जाए तब पलायन कर जाना वहां से। तो इसलिए बीच में राधे राधे बोलते रहते हैं, बोल दो आप भी। अब कह के बुलाने में मजा नहीं, जब से मेरे मुख से निकले राधे राधे तो आपके मुख से अपने आप स्वतः निकल जाना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। इसमें क्या कि निंद्रा देवी फिर नहीं आती है, ध्यान नहीं डालती है। तो हम देवताओं को विषय में हुआ, भगवान साक्षात नारायण स्वरूप में इसमें विराजमान है। इस दिव्य ग्रंथ की महिमा बताते हुए सूत जी कहते हैं कि ये इतना दिव्य है, उस ग्रंथ की महिमा आपको हम सुनाएंगे। तो बोले महाराज सबसे पहले ये विधि 7 दिनों वाली कब से शुरू हुई, किसने किसको सुनाया? तो कहते हैं कि सनक सनंदन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। उन नारद जी को सुनाया, ये बात तो कुछ जची नहीं महाराज। नारद जी ऐसे संत हैं जो 2 घड़े से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। बोलो राधे राधे श्री राधे श्याम। हाँ, तो हम कल कथा में कहाँ थे? कथा हमारी बीच में थी कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, वो एक उत्तम नगर में रहता था, उसके एक पत्नी थी, पुत्र नहीं था। इस वियोग से वो दुखी होकर जंगल में चला गया और वहां उनको एक संत मिले और संत हरि कृपा से मिलता है। तुलसीदास रामायण में भी कहा है ना कि राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। भगवान की जब कृपा होती है राम जी की, तभी विभीषण जी भी कहते हैं और लंकनी भी कहती है हनुमान जी को कि जब राम जी की कृपा होती है तब संत मिलते हैं, भगत मिलते हैं। और देखो ये जो भागवत का यज्ञ हो रहा है, सप्ताह है यज्ञ, ये ऐसे ही नहीं मिलता किसी को। व्यास जी ने लिखा है स्वयं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। भाग्योदय जब किसी इंसान का भाग्य उदय होता है, और कौन सा भाग्य कि बहुजन्म, एक जन्म का भाग्य नहीं, जब अनेकों जन्मों का बहुजन्मों का भाग्य उदय होता है, बहुजन्म समर्जितेन यानी इकट्ठा होता है। जब अनेकों जन्मों का भाग्य उदय होकर इकट्ठा होता है तब सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे, उन पुरुषों को जाकर सत्संग मिलता है। और तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है कि सुतधारा अरुलक्ष्मी पापी के भी हो, सत्संगम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सत्संगम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। कि सुत धारा अरु लक्ष्मी, शब्दों पर यहां ध्यान देने की जरूरत है। दो अर्थ निकालते हैं लोग, और संतों के भी अनेक मत हैं कि सुत माने बेटा, दारा नाम है पत्नी का, कि बेटा और पत्नी सुत दारा अरु लक्ष्मी और धन दौलत पापी के भी होए। यहां थोड़ा अंतर है, कुछ कहते हैं पापी के ही होए, पर वो गलत है। जरूरी नहीं कि पापी के भी होए, कुछ कहते हैं पापी के ही, सिर्फ पापी होते हैं उन्हीं के होते हैं और किसी के नहीं होते, ऐसा नहीं है।
इसमें लिखा है पापी के भी हो, यानी कि पापियों के भी हो सकते हैं, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, उनकी पत्नियां, धन दौलत, ये तो पापियों के भी हो सकते हैं। तो फिर दुर्लभ क्या है कि सत्संगम, श्रेष्ठ पुरुषों का संग, सत्संगम और हरि कथा, भगवान की कथा, ये दो दुर्लभ है संसार में। मिल तो जाती है पर कब मिलती है, कथाएं तो बहुत होती है पर कथाएं या तो कोई सुनता नहीं, पहली बात तो कोई करता ही नहीं, करने भी लग जाए तो नींद आने लग जाती है। जैसे ही कथा का मझधार आता है सामने से, फिर व्यास जी सोचते हैं कि जनता को बिठाए रखना जरूरी है, तो चलो भी भजन शुरू कर दो। फिर कथा का जब मझधार आता है तब नींद आने लग जाती है। कथा करने वाले भी बहुत कम हैं कि दुर्लभ हो धर्मस्य, जो धर्मात्मा है वो दुर्लभ है। तो ये जो भगवान की कथा है धर्मात्मा तो सुनने मिलती है, इसलिए ये भी दुर्लभ है कथा बहुत। और जब आप लोगों का भाग्य उदय हुआ है, और देखो इस स्थान की मैं महत्ता कितनी बता रहा हूँ, देखो आपको हर जगह कथा सुनने को मिल जाएगी। पर सिरसा नगरी की विशेषता है क्योंकि ये संतों की नगरी है, और संतों की नगरी में क्या विशेषता है, संतों की नगरी में ये विशेषता है कि यहाँ कथा सुनने वाला भी सार्थक है और कथा सुनाने वाला भी पार हो जाएगा। बोल दो राधे राधे। देखो मैं धीरे बोल रहा हूँ तो ये जरूरी ना कि आप भी धीरे, मेरे तक आवाज सुनाई देनी चाहिए, राधे राधे। हाँ, शब्दों में थोड़ा सा मिठास घुला हो तो मतलब क्या है कि सुनने का भी आनंद आता है। तो हम चलो कथा में वैसे भी लेट, नाम तो जुड़ गया है मेरे पहले दिन ही, क्योंकि कहते हैं ना जैसा पहला होता है वैसा ही लास्ट में होता है, शुरुआत ही हमने लेट से की है पहले दिन ही। तो आत्मदेव जी को संत मिले, संत के सामने उन्होंने अपना कि महाराज जी आप क्या जानो बेटे का सुख। ये संत जी उनको समझाते हैं कि ये सब संसार झूठा है, बेटे का मोह झूठा है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य तज संसार वासनम। कि हे ब्राह्मण देवता ज्ञान से कार्य लो, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठ, ये कर्मों की गति बड़ी बलवान होती है। विवेकम अपने विवेक को जगाओ, विवेकम तु समासाध्य तज इस संसार की वासना को छोड़ दो। कहते हैं महाराज जी ये उपदेश मैं भी देता हूँ, गांव में मैं एक ही पंडित हूँ, सभी को भी मेरा उपदेश देने का ही कार्य है। ये कथाएं मैं बहुत सुनाता हूँ, सुनने में बड़ी सुंदर लगती है पर जीवन में उतारने में थोड़ी दुर्लभ होती है। कथा तो आप बहुत सुनते हो पर कभी कथा सुनने से मन में कभी वैराग्य उत्पन्न हुआ? कोई श्रेष्ठ वक्ता होंगे तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य उत्पन्न होगा कि संसार झूठा है, बाद में फिर वही अपना वैराग्य किस तरह होता है, अपना वैराग्य होता है नहर की तरह। नहर में जब पानी आएगा तो फुल लबालब भरी चलेगी, और दो दिन बाद में पीछे से पानी बंद कर दिया तो पत्ते, सूखे पत्ते खड़खड़ाएंगे। ऐसे ही अपना वैराग्य है, अपना वैराग्य मरकट वैराग्य है। कथा सुनी, सत्संग सुना, संतों ने उपदेश दिया, वैराग्य आ गया मन में कि संसार बिल्कुल झूठा है, पर कुछ पल के लिए। जैसे ही घर में गए, जाते ही घर में पोते ने दादी दादा, बस वो फिर वैराग्य चला गया। अरे मेरा तो पोता ही जीवन है, पोती ही जीवन है, बेटा ही जीवन है। वो वैराग्य कुछ पल के लिए आता है और फिर वो चला जाता है। संतों का वैराग्य कैसा होता है? गंगा जी की तरह निकलती कहां से है? गोमुख से, बिल्कुल पतली सी धार, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है बड़ी होती जाती है विशाल, और आगे अंतिम में गंगा सागर में जाके देखो कि गंगा सागर के सदृश दिखाई देती है, जैसे समुद्र हो। तो संतों का वैराग्य होता है वो गंगा जी की तरह होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और अपना वैराग्य नहरों की तरह होता है, जो एक बार आता है जब तो फुल लबालब भरा भरा आता है।
पर कुछ पल के लिए आता है, मरकट वैराग्य जिसे बोलते हैं, वो वैराग्य सार्थक नहीं है। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि ये कथाएं तो मैं भी खूब सुनाता हूं, पर इन कथाओं के सुनने से क्या होगा महाराज, तुम क्या जानो कि पुत्र क्या चीज होती है, आप बाबा वैरागी क्या जानो। पुत्र जब छोटा सा नन्हा सा बच्चा घर में होता है, आकर जब इंसान काम करके थक हार के जब घर में जाता है और छोटा सा बच्चा गोद में आकर पापा पापा बोलता है, उस सबको आप क्या जानो, पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है महाराज, आप पुत्र सुख को क्या जानो। घर में एक बच्चा होना जरूरी है, और फिर अरे पितृऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति तो करनी जरूरी है, हमें किसी ने उत्पन्न किया है उसके ऋण को दूर करने के लिए हमें तो कोई उत्पन्न करना चाहिए, पितरों का ऋण कैसे दूर होगा, उस ऋण को दूर करने के लिए घर में संतान की जरूरी है। बाबा जी आप ये उपदेश मुझे मत दो, पुत्र दे सकते हो तो दो। संत कहते हैं ब्राह्मण देवता मैंने आपकी मस्तिष्क की रेखाएं देख ली है, इस जन्म में क्या सात जन्मों में भी पुत्र नैवच सात जन्मों में भी तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। अब तो आत्मदेव जी फिर रो पड़े, महाराज जी आपने तो मेरा दुख सात गुना बढ़ा दिया, मैं आपके पास दुख का निवारण संतों के पास क्यों जाते हैं, मैं आपके पास बैठा था आपकी बातें सुन रहा था क्यों, क्योंकि मुझे मेरे दुख का निवारण मिले, मैं जिस दुख से दुखी हूं उस दुख को दूर कर पाऊं, और आपने तो मेरे दुख को सात गुना बढ़ा दिया। कहते हैं कि एक जन्म में नहीं सात सप्त जन्म में पुत्र नहीं बचा नहीं बचा कोई तुम्हारे बेटा नहीं होगा, ऐसे जीवन का क्या लाभ, महाराज मैं आपके चरणों में सर पटक पटक के जान दे दूंगा। पर महात्मा जी ध्यान रखना आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। महात्मा जी चकरा गए कि आए थे उपदेश देने, सोचा था कोई कोई ब्राह्मण भगवत दर्शन लालसा के लिए उदास बैठा है, सोचा इसका भी उद्धार हो जाएगा, पर ये तो उल्टी गले में माला डल गई, कह रहे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। बाप रे बाप, संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और आत्मदेव जी को दिया कि लो भगवान ये फल लो, अगर हरी इच्छा हुई तो आपके घर में बेटा होगा। देखो यहां भागवत की एक एक कथा, एक एक कथा नहीं एक एक शब्द अपने आप में रस से भरा हुआ है, उसमें हर एक शब्द में ज्ञान वैराग्य भरा हुआ है। एक नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी से कि मैं आपके पुत्रों का उद्धार कर दूंगा, और वो कितना परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम, गीता पाठे मधुर महु गीता का पाठ बार बार सुनाते हैं, उनका उद्धार नहीं होता। एक दिव्य संत और एक सामान्य संत कहता है कि लो ये फल लो, अगर प्रभु ने चाहा तो आपको पुत्र होगा, जब मैं आता है तो कार्य सिद्ध नहीं होता। श्री राधे, वो कहते हैं कि अगर प्रभु ने चाहा हरि ने चाहा तो आपको पुत्र होगा। अब तो आत्मदेव जी खुश हो गए, दौड़ पड़े घर की तरफ, और घर में जाकर अपनी पत्नी से कहते सुनती हो, अब वो तो बताया ही था कल की कथा में कि कितनी पतिव्रता बनती है, माता अनुसुईया के बाद उन्हीं का नंबर आता है जब पतिदेव घर पे आते हैं, आई पास में लो सारा जल पियो आपके हलक सूखे हुए, दौड़े दौड़े क्यों आ रहे, आराम से आ जाते। बोले देखो मैं क्या लाया हूं, क्या लाए हो, देखो ये फल लाया हूं मैं। महाराज मैं तो करे हो कोई नौलखा हार लाया हो जो गड़ो फाड़ रहा हो, ये मैंने कभी फल खाया नहीं क्या। बोले ये ऐसा वैसा फल नहीं है कि तो कि बहुत बड़े महात्मा ने दिया है, पहुंचे हुए संत ने दिया है। कि अच्छा कि हाँ तुम्हारा क्या करें इसका, फिर कि ये आपको खाना है और आप खाओगे ना तो आपको पुत्र होगा। अच्छा हाँ, अब आत्मदेव जी तो बोले कि ऐसा दिव्य फल है तो मैं ऐसे नहीं खाने वाली कि तो कि मैं स्नान ध्यान करके पूजा करके ठाकुर जी की फिर खाऊंगी। फल को रख दिया, आत्मदेव जी भोले ढाले हैं,
चले घर, गांव में गप्पे लड़ रहे। अरे अब तो देखो हमारे घर में भी गुलकारियां गूंजेगी, हमारे घर में भी बड़े ऊंचे संत से मिलके आया हूँ, उन्होंने मुझे फल दिया है, मेरे घर में भी बेटा होगा। पूरे गांव में हंसते हुए डोल रहे हैं, मन में प्रसन्नता की लहर। देखो हमें जब हमारा कोई कार्य मन चाहे बात जब होती है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है। पर वो कार्य देखो कि भगवान क्या करता है हमारे लिए। हमें भगवान कोई वस्तु देता है तो वो वस्तु ऐसी देता है कि जिससे हमारा भला हो, और हम चाहते क्या है कि हमारा भला हो या ना हो, पर जो हम चाहते हैं वो हो जाए। भगवान हम चाहते हैं वो नहीं करते, जिसमें हमारा भला हो वही कार्य करते हैं भगत के लिए। देखो हम भगवान को पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, और चढ़ाते क्या है भगवान को, उनका दिया हुए तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर भगवान कहते हैं कि जो मैंने दिया वो तो मेरे पास है, वो मुझे क्यों चढ़ा रहे हो। तो क्या चढ़ाएंगे भगवान को, ढूंढने लगे संसार में कि फूल भगवान ने दिए हैं, पत्ते भगवान ने दिए हैं, जल भगवान का दिया हुआ है, इस शरीर को भी अर्पण करें तो ये भी प्रभु का दिया हुआ है। भगवान कहते हैं कि जो मैंने दिया है वो तो मेरे पास है, इसलिए मैंने दिया है ना, मुझे चढ़ाना है तो कोई ऐसी वस्तु चढ़ाओ जो मेरे पास नहीं है। अब मैं आपके घर पे आऊं, मेरे पास पहले से ही पानी की बोतल है, और आप मुझे आते ही गिलास पानी का लेके महाराज जी, तो पानी तो मेरे पास है, पानी देने की जरूरत नहीं है। हम कौन सी वस्तु की लालसा करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो भगवान को हम क्या चढ़ाएं। लक्ष्मी चढ़ाएं, वो तो उनकी धर्मपत्नी, उनकी कोई कमी नहीं उनको, ये पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है, तो उनको चढ़ाएं क्या इस सृष्टि से। भगवान कहते हैं कि वो भी चीज है, मैं बताता हूं क्या चढ़ाना है। इस संसार में तुम आए हो, माया मैंने दी है, माता पिता मैंने दिए है, बंधु बांधव मैंने दिए हैं, पर अहंकार मैंने तुम्हें नहीं दिया। श्री राधे राधे बोल दो, राधे राधे। क्रोध मैंने नहीं दिया, अभिमान मैंने नहीं दिया, चढ़ाना है तो इन चीजों को मुझे चढ़ाओ। ठाकुर जी की पूजा करो तो क्रोध अर्पण कर दो कि आज के बाद क्रोध नहीं करना, तुम्हें सौंप दिया, तुम रखो अपना, पर अर्पण कर नहीं पाओगे। ठाकुर जी की पूजा करनी है तो आज एक दिन सदा के लिए नहीं, तो एक दिन कि आज ठाकुर जी की पूजा की है, आज निश्चय कर लिया कि आज पूरे दिन क्रोध नहीं करना, क्रोध ठाकुर जी को चढ़ा दिया एक दिन पूजा की। अभिमान, आज पूरे दिन का अभिमान ठाकुर जी, आज बिल्कुल घमंड नहीं करना मन में, पूरा अभिमान ठाकुर जी को चढ़ा दिया, ये चढ़ाओ तो पूजा सार्थक है, पूजा करने का आनंद भी आएगा, क्योंकि जो चीज मेरे पास नहीं है वो चीज दोगे तो उस चीज को मैं देखूंगा। जो मैंने दिया है वो मेरा दिया, मुझे वापस देना। अरे आप तो संसारिक जीवन में ले लो, कोई ननंद घर पे आती है तो कहते हैं कि पिछली बार वो ननंद अपनी बेटी के लिए ये आई थी, बुआ आपकी भतीजी ले गई थी, आई साड़ी तो पछ के देवा, धारणा है अपनी चेंज करके देते हो, सेम तो वो तो नहीं देते। जो भगवान ने दिया है वो क्या देना, कुछ बदल के दो, और अपने पास तो है, भरे पड़े काम करो, मत लोग से तो चढ़ा दो सब भगवान को, एक दिन लोभ चढ़ा दो कि आज पूरे दिन कहीं कोई लोभ नहीं करना, ठाकुर जी को सौंप दिया, तो पूजा करनी सार्थक है, फिर आनंद आएगा। तो आत्म देव को धुंधली कहती कि मैं ठाकुर जी की पूजा करके इस फल को खाऊंगी। आत्मदेव जी चले गए, अब धुंधली फल लेके बैठे है, खाऊं कि ना खाऊं, चलो खा लेती हूँ, फली तो है, पर अगर खाया तो फिर कहते हैं कि, वैसे बाबाओं की बातों में कुछ रखा तो नहीं होता, फल खाने से कि बेटे होते हैं, पर बाई चांस अगर कोई बेटा हो गया तो, अरे मेरा तो पेट बहुत मोटा हो जाएगा, बड़ी बुरी लगूंगी मैं तो, नहीं खाना, राम राम, इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। मन में विचार करते हैं, खा लेते हैं, इतने में धुंधली किसका नाम है,
जो कुबुद्धि है उसी का नाम धुंधली, जो तर्क करती है उल्टे उल्टे विचार उत्पन्न करती है उसका नाम धुंधली है। और धुंधली जैसे ही उस फल को लेके बैठी थी, उनकी एक सहेली आ गई। वो कहती है कि तू खा ले, बेटा होगा। वो कहती है कि मैंने सुना है जब बेटा होता है तो बहुत दर्द होता है। कि हाँ वो तो होता है। नहीं नहीं मैं नहीं खाने वाली। और मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी है ना 12 वर्ष तक माँ के पेट में रहे थे, और ये कहीं संत का दिया हो फल, वो 12 वर्ष मेरे पेट में आके बैठ गया। अरे राम राम, मैं नहीं खाने वाले इस फल को। पड़ोसन फिर समझाती है कि अरे खा ले, देख खाने से फायदा होगा। और फिर वो कहती है कि जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं घर का काम कैसे कर पाऊंगी। कहते हैं कि जब गर्भ में बालक होता है तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो पड़ोसन कहती है कि तुझे कार्य की क्या पड़ी है, अपनी ननंद को बुला लेना, खूब काम कर। अच्छा मैंने पहले ही बुला लेना, खूब काम करवाना, तो काम के बदले में कोई नेक हो वो दे देना। बोली ना मेरी ननंद महाचोटी, मैं बैठ जाऊं खाट में वो पता नहीं क्या क्या चुरा ले जाए, मैं नहीं बुलाने वाली उसको। पड़ोसन कहती है कि ननंद को मत बुलाना, कोई नौकर रख लेना। बात तो तेरी ठीक है, पर मेरी माँ कहा करती कि आपके मेरे बिना स्वर्ग को नहीं हुआ, खुद वो काम तो खुद नहीं करना पड़ो, मैं फड़ फाड़ के चक्कर में कौन करूं। पड़ोसन ने बहुत समझाया, पर उसने नाना विचार के उल्टे विचार दिए तो उस फल को नहीं खाया। पड़ोसन समझा के चली गई कि बहन खा तो अच्छा है, ना खा तो भी अच्छा है, मैं तो जा रही, मैं समझा के तुम्हें हार गई, तेरी बातों को कोई पार नहीं पा सकता। फिर धुंधली बैठी बैठी सोचती है कि यार इसको खा लूं, नौकर को भी बुला लूं, पर पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। फिर सोचती है हमें कौन सा रेस में भाग लेना है। फिर सोचती है नहीं नहीं, बाई चांस घर में आग लग जाए मैं कहां भाग पाऊंगी, मुझे ये फल नहीं खाना। और इतने में उसकी एक बहन घर पे आ जाती है। बहन घर पे आती है और कहती है कि अरे तू तो पतली हो गई, बहनों का काम ही होता, तू तो सूख गई जमाई के जीजो जी से इतने को रख है के। ऐसी भाषा यही सिरसा की है, के हो गो तेरे कि खाओ पियो तो ढंग करे के केक सारा दिन एक ही चिंता रहे, आत्र जीजे एक और पार्टी पर लेके गिरती हो, क्या हुआ कि देखे फल लाया है कह खा ले छोर हो जाओ। अब तुम बता सेब खाऊं की टाबर हो वह के बहन तो चाहती यही थी कि इसको कुछ ना हो। ना बहन ना, फड़ाऊं कभी टाबर हो या तो फिर वह जो रेडी लगाया बैठे बांग तो लाइन लागी रहे, को टाबर को नहीं है ना खाई हो। और फिर बाबा को दे फल देखो नहीं के मंत्र के देते आजकल सारा से उड़ा वो तो रहे। और आज तो जमाना तो टीवी में रोजाना नो याद देखे कौन तो फलाना बाबा बहन वो दे दियो, बहन वो दे दियो, ना खाइए अपने। तो बहन क्या करूं, वो तुम्हारी जीजाजी तो कह गए बेटा होगा, उनको तो इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं उनको कभी मना कर ही नहीं सकती। तो बोली तू चिंता क्यों कर रही है, बहन तो चाहती ही है कि मेरे 5-7 है अंग कोई कमी को नहीं धनगी एक कैसा का सारा तर जाएगा। तो कहती है तू चिंता मत कर, मैं 3 महीने गर्भ से ही हूं और तू आज से ही सिस्टम शुरू कर दे आडंबर करना कि मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है, खट्टा खाने को मन कर रहा है, फलाना मार डिमका जो जो लेडीजों के होते हैं उपचार वो करना शुरू कर दे, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मेरा पुत्र दे दूंगी, जो भी पुत्र होगा या पुत्री होगा। कहती है ठीक है बहन, फिर इस फल का क्या करें। कहती है कि इस फल का भी परीक्षण कर लेते हैं, देख अगावड़ी कई दिन हो गया बंदरी थारा करे भाषा ऐसी गौ माता को कहते हैं ऐसे। देखो कि गाय का वर्णन आ गया तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखो अपने जो राजा हैं उनकी मैं जितनी सराहना करूं तो कम है, उनके फैसला लेने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा आया। उन्होंने रात्रि को 8 बजे
आदेश दिया कि नोट बंद कर दिए गए पुराने सिले। ऐसा फैसला कोई ले सकता है? उनकी फैसले की मैं दाद देता हूं, उनके फैसले से मैं प्रसन्न भी हूं, पर उनसे मैं एक निवेदन भी करता हूं कि जिस तरह नोटबंदी का कार्य आपने किया उस तरह गऊ के लिए भी कुछ करो थोड़ा सा, क्योंकि तुम ही एक हो जो कर सकते हो। तो मैं इस वातावरण के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, मैं उनसे अपनी इस भागवत व्यासपीठ से तरफ से निवेदन करता हूं कि हे महाराज, आप गऊओं के लिए भी कुछ करो। एक ऐसा आदेश पारित करो कि घर घर में गाय होना जरूरी है, जिसके घर में गाय नहीं उसको टैक्स लगा दो। बोले गौ माता की जय हो। आप बताओ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि हर घर में गाय होनी चाहिए। वो कर भी सकता है, वो चाहे तो वो कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा फैसला वो एक राजा ही ले सकता है, और तो कोई नहीं ले सकता। तो गाय के लिए गाय शब्द ही यूज नहीं, गावड़ी शब्द हो गया, भाषा ही चेंज होगी, जिसको हम माता मानते थे। देखो गाय माता से भी बढ़कर है, जन्म की माँ है वो तो 5 वर्ष तक लास्ट दूध पिलाएगी, पर गाय तो आजीवन, जितने बड़े हो जाएंगे चाहे भी उसकी दूध। अपन तो आजकल का टापरा तो गाय को दूध बांस मानते, गाय के दूध बदल कैसी विचारधारा हो गई है, पतलो सो दूध हो पानी पर गो के महाराज जी से भी अच्छी बात। किसी को कह दो ना कि गाय का दूध पिया करो। देखो गाय के दूध में, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता मान्यता है, उनके रोम रोम में सभी देवता वास करते हैं। देखो किसी देवता के पूजन करने की जरूरत ही नहीं। देखो हमारी कामना होती है, कामना के लिए अलग अलग देव का पूजन करना पड़ता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी मैया की पूजन करो, राज्य के लिए अश्विनी कुमारों की पूजा करो, बुद्धि के लिए गणेश जी की पूजा करो, कंठ सुरीले करने तो माँ सरस्वती की पूजा करो या गंधर्वों की पूजा करो। जहां जहां अलग अलग कामना के लिए अलग अलग देवता की पूजा करनी पड़ेगी। अब सभी देवताओं को तो हम नहीं पूज सकते, तो क्यों ना एक घर में गाय ला के बांध ले, उसमें सभी देवता वास करते हैं, एक गाय की पूजा कर लो, सभी की पूजा हो जाएगी। बोलो राधे राधे श्री राधे। उत्तम तरीका है ना, किसी अलग कामना के लिए अलग देवता के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज बुधवार है गणेश जी के मंदिर में जावा, आज बृहस्पतिवार है भगवान विष्णु के मंदिर में जावा, आज शुक्रवार है संतोषी माता का लक्ष्मी का, तो जाना पड़ेगा। ये सब बातें कट हो जाएगी, क्योंकि एक गाय के अंदर ही सभी देवता विराजमान है। और देखो उन देवताओं की तो छोड़ो, देवियों को तो अभिमान हो गया था, जो 3 देवियां है ना विशेष, उनको अभिमान हो गया था कि हमको तो जगह, जब सभी देवता गौ माता के अंदर अपना अपना स्थान लेने आए कि माता हमें अपने अंदर स्थान दो, तो देवियों को अभिमान हो गया कि हमें तो जगह मिले ही मिलेगी। पर माँ होती है ना, माँ उसकी ममता सबके लिए बराबर होती है, जो जैसे जैसे आया सबको स्थान मिलता गया, और माता जी परिपूर्ण हो गई। अंतिम में 3 देवियां आई, कौन कौन सी? ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, उमा रमा ब्रह्माणी। ये माताएं जब तीनों आई और आके बोली कि हमें भी, हमारे लिए हमारा स्थान कहाँ है? बोले देख लो भाई, खाली जगह बैठी है, वहीं बैठ जाओ। बोले अब तो रोम रोम में, हर एक रोम में एक देवता बैठा है, हम कहाँ बैठे? माता ने कहा तुम आई हो तो सबसे पहले आई माँ पार्वती। माँ पार्वती को कहा कि आप मेरे दुग्ध के अंदर विराजमान हो, अंदर तो कोई जगह नहीं रही, पर जहां मेरे दूध जो मेरे बाहर निकलता है उस दूध के अंदर आप विराजमान हो जाओ। और आपका साइंस भी इस बात को मानता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं, बाबा रामदेव भी कहता है कि गाय के दूध को पीने से बुद्धि तेज होती है, क्योंकि उस दूध के अंदर माँ पार्वती का वास है जो बुद्धि की दायक है। फिर माँ सरस्वती आई कि मुझे भी तो वास चाहिए,
तो कहा कि पूरा अब तो मेरा दूध भी मैंने उमा को सौंप दिया, ऐसे करो आप मेरे मूत्र के अंदर वास निवास करो। तो गौमूत्र के अंदर माँ सरस्वती का वास है और गौमूत्र का पान करने से कंठ सुरीले भी होते हैं, और गौमूत्र तो हर रोग में काम आता है, कोई भी कितना भी बड़ा रोग हो गौमूत्र से दूर होता है। अलग अलग रोगों में अलग अलग रूप से काम आता है गौमूत्र पर, तो वैज्ञानिक लोग भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं, हिंदुस्तान के भी कर रहे हैं और अमेरिका के भी कर रहे हैं, परंतु क्या है कि अपने हिंदुस्तान की विडंबना है, वो लेट जागते हैं। जब पहले दूसरे देश वाले कर लेते हैं तब यहाँ पे जागते हैं। ये संतों का सिस्टम है, क्या कि संत किसे बड़ा मानते हैं, जो विदेशों में एक बार घुमाए ना विदेश वाले जिसे जानने, हाँ वो संत बड़े हैं भाई। वो एक ये अपनी कहावत भी है ना यहाँ की कि गिर का जोगी जोगणा बार का जोगी सिद्ध। और भाई एक और भी है कि दुर्गा ढोल सुहाना हुआ है। तो अपने यहाँ गौ माता का देसी गाय के गौमूत्र से अनेकों रोग दूर होते हैं क्योंकि उसमें माँ सरस्वती का वास है। अब अंतिम में कौन आई, माँ लक्ष्मी, बोले तो मुझे भी स्थान चाहिए। तो माँ कहती है कि अब तो देखो मेरा एक सिर्फ गोबर बचा है, अखंड सत्य है, इसको तो मैंने प्रयोग भी करके देखा है जीवन में गाय के गोबर वाले को। तो गाय के गोबर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है, ये अखंड सत्य है। इसलिए पहले प्राचीन स्त्रियां घर में गाय के गोबर से लेपन करती थी। और इसका मैंने प्रयोग कब किया कि सबसे पहले जब मैं इस कलयुग की पढ़ाई को छोड़कर सनातन धर्म की विद्या ग्रहण करने के लिए भादरा गया, तो वहां गौशाला है, तो वहां विद्यार्थी लोग ही काम करते हैं, हर जगह भोजनालय में भी गौशाला में भी। तो मेरी ड्यूटी लगाई गई कि गाय के गोबर को उठाना और उसकी थेपड़ियां था अपना, ये मेरा क्रम था। तो मैंने वहां प्रयोग करके देखा कि 10 महीने में वहां रहा और 10 महीने मैंने लगातार गाय के गोबर से थेपड़ियां बनाई मैंने अपने जीवन में। तब तो मेरे को समझ में नहीं आया, पर जब मैं वहां से निकला बाहर गया दूर राजगढ़ राजनगर क्षेत्रों में गया, तो मैंने महसूस किया कि यार उस वक्त अपने पास कितना भी पैसा खर्च कर दूं मैं, कभी मेरे पास पैसे की कमी नहीं आई। और यारों का मैं चहेता हो गया क्योंकि कोई कमी हो इधर ले लो, मना करने की कभी आदत नहीं थी। इतना पैसा मैंने खर्च किया पर पैसे की कभी कमी नहीं, मैं पता नहीं कहां से पैसा आ रहा, घर वालों से कभी पैसा नहीं मांगा मैंने। बाद में मैंने जब सोचा गहन अध्ययन किया चिंतन किया तो समझ में आया कि अरे तुम वहां के गाय के गोबर में रहता था 24 घंटे। श्री राधे, बोलो राधे राधे श्री राधे। तो गाय के गोबर में तो मैंने रिसर्च किया है कि गाय के गोबर में वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो।